दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास टेंथ के अब फुटप्रिंट विदाउट फीट के सेकेंड चैप्टर जो कि है द थीफ्स स्टोरी। दोस्तों मेरी इस वीडियो में बताया गया है कि कैसे एक जो यंग बॉय है वो अनिल को अपना दोस्त बनाता है कि वो उससे कुछ काम ले सके और बाद में वो उसके घर जाके उसका कुछ सामान है या फिर जो पैसे वो चोरी कर ले, क्योंकि जो यंग बॉय रहता है वो एक असल में चोर रहता है और जो उसका उम्र रहता है वो लगभग 15 साल का रहता है और वो उसमें इतना तो एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि वो आराम से चोरी कर सकता है, मतलब कि वो दूसरों को आराम से बहला कर उसके घर जाकर या फिर उनसे काम मांग कर ही उन्हीं से जो उनके जो पैसे हैं वो चुरा लिया करता था। इसमें इसने बताया है इस यंग बॉय ने कि किस तरह वो जब अनिल से मिला तो उस वक्त वो एक चोर था। जब वो अनिल से मिला तो उस समय जो अनिल है वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था, वो इसके पास गया और देखा कि लगभग जो अनिल है वो 25 ईयर्स ओल्ड एक लड़का है जो कि बहुत ही लंबा और पतला है और इसके शरीर को जिसके चेहरे को ये देख के लग रहा था कि जिसका जो लाइफ है वो इजी वे में जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हेडेक नहीं और आराम से उसका इजी वे में जो लाइफ है वो जा रहा है और साथ ही साथ वो देखने में भी लग रहा था कि बहुत ही काइंड है, दयालु है और वो बहुत ही सिंपल है, मतलब इतना सिंपल है जैसे जो सिंपल लाइफ में जीते हैं उस टाइप में उसका जो लाइफ है वो भी बहुत ही सिंपल है और ये सोचता है कि चलो ये इसके पर्पज़ के लिए ठीक है, मतलब इसे आराम से बुद्धू बना के इसके घर जाके ये चोरी कर सकता है। फिर ये बोलता है कि इसका जो लक है वो मतलब बहुत ही बिछड़ा हुआ है या बहुत ही पीछे है, मतलब इसका लक उतना साथ इसका नहीं दे रहा था। इसी तरह ये चाह रहा था कि उस यंग मैन का जो आदमी है उसका कॉन्फिडेंस ये जीत सके। इसी तरह वो वहाँ पर जाता है और उसे कहता है कि तुम लगभग जो तुम्हारा बॉडी है जिससे तुम देखने में लगते हो कि तुम भी एक रेसलर की तरह हल्का फुल्का दिखते हो। वो ये बात इससे कहता है क्योंकि वो सोचता है कि उसकी थोड़ी बड़ाई कर देना, मतलब उसकी चापलूसी कर देना, जिस कारण वो जो एक वे है जिसके अंदर वो अपना दोस्त बनाना चाहता है अनिल को वो और भी आसान हो जाए, मतलब वो और आसानी से अनिल को अपना दोस्त बना ले। लेकिन अनिल वहाँ से रिप्लाई करता है कि क्या तुम नहीं लगते हो ऐसे, मतलब कि तुमने मुझे कहा कि मैं रेसलर की तरह हल्का दिखता हूँ तो क्या तुम नहीं दिखते हो। तो उस समय वो हल्का चुप हो जाता है और वो सोचता है कि वो जो लड़का है यंग बॉय वो भी सोचता है कि अरे मैं भी तो पतला हूँ, मतलब कि उसका ये बॉडी बहुत पतला रहता है। और वो फिर रिप्लाई करता है उसे कि हाँ मैं रेसलिंग हल्का फुल्का जानता हूँ, मतलब मैं कर सकता हूँ हल्का फुल्का रेसलिंग। तो अनिल है वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम हरी सिंह बताता है और ये झूठ बोलता है क्योंकि हर महीने वो अलग अलग आदमियों को लूटता था, चोरी करता था, उनके घर जाकर उनके काम उनसे लेकर चोरी किया करता था, इसलिए वो गलत नाम बताता था कि अगर कोई पुलिस को इन्फॉर्म करे तो उसे कोई पकड़ ना पाए और इसी तरह लोग उसे पहचान ना पाए। उसके बाद जब ये बात हो जाता है तो वो आप इंट्रोडक्शन होने के बाद जो अनिल है वो कुछ बातें करता है रेसलिंग के बारे में कि किस तरह जो रेसलर्स होते हैं वो आते हैं रिंग में, थोड़ा हल्का चिल्लाते हैं उसमें जैसे आवाज़ निकालते हैं, फिर अपने जो अपोनेंट है उन पे कुछ चीज़ को थ्रो करना या उनको लिफ्ट करके उनको उठा के यहाँ वहाँ फेंकना, इस तरह वो उनको बताता है। इसी तरह जो अनिल है जब ये बात अपना पूरा कर लेता है तो वहाँ से चला जाता है। तो ये जो यंग बॉय है ये यहाँ से आराम से उसको फॉलो करना शुरू कर देता है उस प्लेस से, और वह ऐसा साधारण में फॉलो करता है, ऐसा ना लगे कि जैसे हाँ कोई हमें फॉलो कर रहा है, साधारण में फॉलो करता है। तो अनिल बाद में इस बात को नोटिस करता है, उसके बाद वो फिर बोलता है हाँ हेलो अगेन, वो उसको कहता है। उसके बाद तभी ये अपना एक अच्छा से स्माइल आता है जैसे कि कुछ अपील कर रहा हो, और उसके बाद ये कहता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। वो कहता है फिर बोलता है कि लेकिन मैं पे नहीं कर सकता हूँ, मतलब अगर ये बोलता है कि तुम्हारे लिए मैं काम करना चाहता हूँ लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूँ, मतलब ऐसा कोई काम नहीं कर सकता जिसमें कोई उसके साथ काम करे जैसे कि उसका कुक बन जाना, इसी तरह वो काम करना और उससे हो सके तो वो उसके साथ रहे और वो उसमें से हल्का पैसे जो अनिल है वो हल्का पैसा उससे देते जाए। इसी तरह आगे जब बढ़ता है तो इसमें बताया गया कि कुछ मिनट बाद जो मैन होता है वो थोड़ा देर सोचता है, तभी फिर ये इसके मन में एक ख्याल आता है कि क्या कहीं इसने गलत आदमी से तो नहीं ना ये बात पूछ लिया है, मतलब कि क्या जिस आदमी को ये सही समझता था कि हाँ इस ये थोड़ा सीधा आदमी है इसे मैं लूट सकता हूँ, लेकिन फिर ये बाद में सोचता है कि क्या सही में मैंने कुछ गलत तो निर्णय ले लिया, कहीं ये वैसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो मुझे काम ना दे,
मतलब मैंने विश्वास जो किया है, जो यंग बॉय है वो सोचता है कि मैंने अपना जो विश्वास किया है कि हाँ मैं इसे लूट सकता हूँ, क्या ये ऐसा तो आदमी नहीं है कि चालाक हो और मेरे बात को पकड़ ले। फिर जो यंग बॉय है वो पूछता है कि क्या तुम मुझे फिट कर सकते हो, मतलब वो ऐसा चाहता है कि वो उसे कोई काम दे दे जिसके कारण वो उसे फिट कर सके। तभी वो बाद में पूछता है अनिल की, हाँ क्या तुम कुक कर सकते हो, तो वो बोलता है हाँ मैं खाना बना सकता हूँ। वो वापस झूठ बोलता है बल्कि उसे खाना बनाना नहीं आता है। तो वो बोलता है ठीक है अगर तुम कुक कर सकते हो तो ठीक है, तब तुम मेरे कुछ काम में आ सकते हो। इसी तरह इसमें बताया गया है कि वो उसे जुम्मन स्वीट शॉप के पास ले जाता है, फिर उसे कहता है कि हाँ जब तुम सोओगे तो तुम्हें बालकोनी जो है उसमें सोना पड़ेगा। तो वो बात मान लेता है, ठीक है मैं बालकोनी जो है उसमें सो जाऊँगा। फिर इसी तरह बाद में जब वो रात में खाना बनाता है, मतलब जो यंग बॉय है जब वो खाना बनाता है, तब जिस तरह उसको लगता है कि अनिल के बिहेवियर से, मतलब खाना बना के उसने अनिल को दे दिया, अनिल जिस तरह का बिहेवियर करता है उस खाने को उठाकर हल्का टेस्ट करता है, लेकिन बाद में उसे जाके जो गली के कुत्ते होते हैं उनमें जाकर दे देता है, मीन्स उनको गली के कुत्तों में उसे खाने को फेंक देता है या फिर वहाँ पर डाल के आ जाता है। तभी से ऐसा लग जाता है कि सही में जो खाना है वो एकदम अच्छा नहीं बना है, बट फिर भी वो वहीं पर आता है, मतलब उसी के आसपास आता है और हल्का स्माइल करता है एक अपीलिंग वे में कि हाँ कुछ जैसे वो अपील कर रहा हो, और इस तरह से वो स्माइल करता है। उसको तो कुछ देर बाद लगता है कि वो अब लगता है कि उस यंग बॉय को कि अनिल उसे वहाँ से निकाल देगा, लेकिन बाद में अनिल से कहता है ठीक है कोई बात नहीं, उसके सिर पे थोड़ा पैट करता है, मीन्स हल्का सिर पे ये और पीठ पे जैसे थपथपाना हम लोग कहते हैं उसी तरह हल्का सिर पे उसको पैट करता है, और उसी को बाद में कहता है ठीक है कुछ नेवर माइंड, तुम इसका कुछ भी बुरा मत मानो या फिर इस बात को हटाओ, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, मतलब मैं तुम्हें टीच करूंगा कि किस तरह तुम अपने नाम को लिख सको, और इसी तरह धीरे धीरे मैं तुम्हें पूरा एक सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। मतलब कि वो उसे ये बताता है कि जो तुम खाना नहीं बना पा रहे हो उस बात को भूल जाओ, बल्कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे खाना बनाते हैं, और साथ में ये भी सिखाऊंगा कि तुम नाम अपना कैसे लिख सकते हो और पूरा एक सेंटेंस बनाना। इसके कारण वो कहना चाहता था कि वो उसे एजुकेट करेगा, मीन्स उसे पढ़ाएगा। इस तरह बाद में उसने बताया कि इसी तरह वो कैसे कुछ काउंटिंग, जैसे कि अगर वो कुछ काम करता है तो उसके अंदर अगर जैसे हम लोग पैसे लेते हैं तो पैसे में अगर हमें आ जाए काउंटिंग का, जैसे सब्ट्रैक्ट करना आता है किसी चीज़ में, तो उसी तरह ये बोलता है कि वो इसमें मैथमेटिक्स में भी इसको सिखाएगा ऐसा चीज़ कि जो डेली लाइफ में जैसे उसे मार्केट जाना रहता है तो वो अपना आराम से मार्केट जाए और वहाँ से ऐसा नहीं है कि पैसे कम लेके ही आ जाए, इसी तरह वो आराम से उसे काउंट कर सके और नंबर भी जो है वो काउंटिंग नंबर जैसे जो भी नंबर है वो सब सीख सके। फिर बाद में जो यंग बॉय है वो ये सोचता है कि अगर वो पढ़ा लिखा हो जाए, मतलब जिस तरह वो उसे पढ़ा रहा था एजुकेट कर रहा था, तो उस तरह वो जो चीज़ चाहे वो पा सकता है अपने लाइफ में और कोई लिमिट नहीं रह जाएगी, मतलब जो चीज़ वो अचीव करना चाहता है वो पा सकता है वो आराम से। इसी तरह बाद में ये बताता है कि इस तरह जो अनिल है जब वो उसके लिए वो काम क्या करता था, जैसे सुबह उसे उठकर चाय देना, और साथ ही साथ जब वो बाज़ार जाता तो जैसे घर में जो भी सामान लगने वाला है ग्रॉसरीज हो गए हैं इस तरह वो ख़रीद के वहाँ से लेकर आ जाता था, और उसी में वो कुछ रुपए बचा लिया करता था एक दिन में, जैसे कि कुछ सामान खरीदा उसमें से कुछ रुपए वो बचा कर अपने पास रख लिया करता था। और वो ये सोचता था कि अनिल को ये बात पता है कि मैं जब भी जाता हूँ बाज़ार तो मैं कुछ रुपए बचा लेता हूँ सामान में से और उसे रख लेता हूँ अपने पास, लेकिन फिर उसे लगता था कि अनिल लेकिन इस बात को मतलब सीरियसली नहीं लेता है, मतलब अपने माइंड पर नहीं लेता है। इसी तरह वो सोचता है कि कैसे अनिल जो है वो इसके ऊपर पूरा अपना ट्रस्ट किया रहता है, इसे पूरा अपना विश्वास किया रहता है। अनिल जो है वो अपने पैसे फिट्स और स्टार्ट के द्वारा कमाता था, मतलब कि पहले सप्ताह वो पैसे ले लिया करता था दूसरों से, फिर उसे अगले सप्ताह किसी और को दे दिया करता था, और जब तक वो पैसे उसको रिटर्न ना हो जाए, मतलब जिसने उसे लेकर वापस दूसरे को दिया है जब तक वो पैसे रिटर्न ना हो जाए, वो चेक ना आ जाए वापस उसके पास, तब तक वो बहुत ही परेशान रहता था। लेकिन जैसे ही वो पैसे उसके पास आ जाते थे, मीन्स वो चेक वापस आ जाता था, तब वो लगता था कि जैसे बाहर जाके सेलिब्रेट करेगा, जैसे अपने दोस्तों के साथ इस तरह जाके बाहर सेलिब्रेट करेगा। इसके बाद दूसरों को ऐसा देखने में लगता था, मीन्स और सभी जो व्यक्ति थे उनको ऐसा देखने में लगता था कि ये जो मैगजीन है उसके लिए लिखता है,
इसके अंदर ये बहुत ही आसान तरीका है कि अपने लाइफ को एक इजी वे में मतलब चला सके और पैसे कमा सके। वो जब अपने घर आता तो आया एक बार वन इवनिंग में, तो वो उसने बताया कि किस तरह वो जो पैसे उसने कमाए हैं, मीन जो बंडल ऑफ नोट्स जो अपने घर लेके आता है वो, तो वो कहता है कि ये जो पैसे उसने कमाए हैं ये इसने बुक को बेच कर, एक पब्लिशर को ये बुक बेच कर कमाए हैं, और साथ में जो पैसे हैं वो उसे अपने मैट्रेस के नीचे मतलब एकदम किनारे पर उसे दबा देता है, छुपा देता है। तभी ये बता रहा होता है जो यंग बॉय है कि वो अनिल के लिए लगभग एक महीने से ज़्यादा से काम कर रहा होता है। वो शॉपिंग ले जाता था और भी बहुत सारे उसके काम किया करता था, लेकिन शॉपिंग ही ऐसा मतलब था उसके लिए जिसके अंदर वो कुछ रुपये बचा लिया करता था और उसे सिर्फ रख लिया करता था बिना उसे बताए। लेकिन और किसी चीज़ में वो उसने बेईमानी नहीं की थी, मतलब कि और किसी चीज़ में उसने पैसे नहीं चुराए थे, मतलब कि कह सकते हैं कि उसके साथ जब वो रह रहा था तो वो सिर्फ शॉपिंग में ही चीट किया करता था अनिल को, लेकिन और सब चीज़ में उसे चीट नहीं किया करता था। इसके आगे फिर इसने बताया है कि जो अनिल को इतना विश्वास हो गया था उस लड़के पे कि वो उसे अपना घर का चाबी दे दिया करता था, जिस कारण वो जब चाहे वो घर पर आए और वहाँ से चला जा सके, मतलब कि उसने बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट कर लिया था उस छोटे से लड़के पे 15 साल के, इसके लिए उसने अपने घर का चाबी तक दे दिया था। इसी तरह इसने बताया है कि किस तरह मतलब जो यंग बॉय है ये कहता है कि किस तरह उस आदमी को बहुत ज़्यादा उतना ट्रस्ट हो गया था इसके ऊपर, और इस तरह का ट्रस्ट किसी और ने इसके साथ नहीं किया था, मतलब जिन जिन लोगों से इसने काम मांगा था झूठ बोलकर कुछ भी ऐसे बहाने बनाकर, वो सब लोग इसे इतना ट्रस्ट नहीं किया करते थे जितना ये उसे ट्रस्ट कर रहा था। और वही ये सोचा था कि ये बहुत ही मुश्किल है इसके लिए कि इस टाइप के आदमी को ये रॉब कर सके, मीन्स इस आदमी से ये रॉबरी जैसे चोरी कर सके उसका जो सामान है उसमें। उस लड़के को ऐसा लगता है कि कोई ग्रीडी आदमी है, जो लालची आदमी है, वो उसके घर आराम से चोरी कर सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको अपने काम के अलावा जो बाहर के जो क्या घटित हो रहा है इसका कोई परवाह नहीं है, उसके घर ही कैसे चोरी कर सकता है। मतलब एक ऐसा व्यक्ति ने जिसने इसे काम दिया, इस पर इतना ट्रस्ट किया कि अपने घर का चाबी देकर से देता है कि जब चाहे आए और जाए, और इसी तरह कोई रोक टोक इस पर नहीं करता है, तो किस तरह ये ऐसे व्यक्ति को इसका ट्रस्ट तोड़ सकता है, किस तरह ये ऐसे व्यक्ति के घर रॉबरी कर सकता है, वह ये सोचता है। लेकिन बाद में ये सोचता है कि नहीं, इसे एक बार करना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसके प्रैक्टिस से बाहर हो गया है, ये पहले से रॉबरी करते आ रहा है और ये सोचता है कि नहीं, इसके प्रैक्टिस से बाहर हो गया है इसलिए इसे रॉबरी ये करेगा। ये बाद में इस बात को मान लेता है कि हाँ, इसे ऐसा करना चाहिए। जब अनिल सो जाता है तो उस समय रात में, ये भी जब बालकनी में अपना सोया रहता है, तो उस समय जो मून जो है, जो चंद्रमा का रोशनी इसके आँख पर आके पड़ता है और ये हल्का उस समय जग जाता है। और फिर ये सोचने रहता है कि किस तरह अगर वो चोरी कर लेता है उस पैसे को जो कि अनिल ने अभी ले के आया हुआ है, अगर उस पैसे को चोरी कर लेगा तो वो 10:30 के जो एक्सप्रेस है ट्रेन से लखनऊ आराम से चल जाएगा। वहाँ पर वो इस बात को सोचता है और जो अपने बिस्तर है और ब्लैंकेट है उसमें जो ब्लैंकेट जो ओढ़ा रहता है वो उसे वहाँ से हटाने लग जाता है धीरे धीरे, और उसके बाद वो हड़बड़ी नहीं करता है क्योंकि उसके मन में अभी भी शंका रहता है इस टाइप का कि हाँ, ये जो ये काम कर रहा है सही में गलत है। वो उस ब्लैंकेट को हटाता है, उसके बाद वहाँ पर जाके उसके बिस्तर के पास जाता है वहाँ अनिल के, और अपने हाथ से उस पैसे को वहाँ पर ढूंढना शुरू करता है कि वो पैसा किधर है। मैट्रेस के नीचे अपना हाथ को लगाता है, उसके बाद वहाँ पर पैसे ढूंढना शुरू कर देता है। जब उस पैसे वो उसे मिल जाता है तो वो वहाँ से बिना आवाज़ के अपने हाथ को बाहर निकालता है, तभी देखता है कि जो अनिल है वो आह भरना, मतलब सोते हुए जैसे कुछ, मतलब अपने फेस पे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन लाना, या सोया हुआ है तो कुछ ऐसा जैसे कि कोई चीज़ बुरा हो रहा है, तो हम लोग देख के जिस तरह का फीलिंग आता है उस टाइम में उसके फीलिंग आ गया था, और एक लंबी सांस लेके उसने छोड़ा अनिल ने, जिसके कारण उसे ऐसा लगा, मतलब जो यंग बॉय उसे ऐसा लगा कि कहीं अनिल को पता तो नहीं चल गया कि मैं चोरी कर रहा हूँ, इससे वहाँ से वो जल्दी से भाग जाता है, जल्दी से वहाँ से भागना चालू कर देता है और दौड़ने लग जाता है। इसी तरह वो जो अपना पैसे जितने भी रहते हैं वो सब उसकी मुट्ठी में रहते हैं, और वो उस समय पैजामा पहना रहता है, और पैजामा का जो रस्सी रहता है, जो उसका स्ट्रिंग रहता है, उसे पकड़ के वो दौड़ रहा होता है, और दूसरे हाथ में वो पैसे को रखा रहता है। वो धीरे धीरे रुकता है, और उसके बाद जब वो पैसे गिनता है तो 600 रुपये रहते हैं, वो भी 50 के नोट्स में, मतलब 50 के नोट में 600 रुपये वहाँ पर रहते हैं।
इसी तरह यह इस बात को देख लेता है कि कैसे जितना रुपये इसने चुराया है उससे, उस रुपये में आराम से ये 2 सप्ताह, 1 से 2 सप्ताह आराम से अच्छा लाइफ जी सकता है। मतलब उस समय के हिसाब से ये 600 रुपये बहुत था, तो वही सोचता था कि आराम से ये 600 रुपये में एकदम अच्छे से ये रह सकता है। ये जाने लग जाता है स्टेशन के पास और ये आज तक कभी भी टिकट नहीं लिया था, इसलिए टिकट नहीं ख़रीदता है और सीधे प्लेटफॉर्म पर जाकर वहाँ से ट्रेन देखना शुरू कर देता है। जब देखता है वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो वहाँ से खुलना जो है वो शुरू कर दी होती है और हल्का स्पीड में आ गई होती है। तो ये सोचता है कि दौड़ के ये चाहे तो उसे पकड़ सकता है, लेकिन हल्का वो हेजिटेट करता है अंदर से। वो सोचता है कि नहीं, ये जो कर रहा है ये सही में गलत है, और वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता उसके अंदर की फीलिंग को जो वो सोच रहा होता है। मतलब वो चाहता तो उस ट्रेन को आराम से वहाँ पकड़ के वहाँ से बाहर जा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है और वो एक चांस खो देता है वहाँ से जाने का, क्योंकि वो ट्रेन जो है वो चल जाती है वहाँ से। फिर वो सोचता है कि किस तरह जो अगर उसके दोस्त होते हैं तो वो जो रात है वो उनके साथ रह कर बिता सकता था, लेकिन बाद में सोचता है कि नहीं, जो दोस्त हैं वो ट्रबल है, मीन्स एक परेशानी है। मदद जितना नहीं करते हैं उससे ज़्यादा वो परेशानी बनाते हैं, या फिर जो परेशानी है उसको लाते हैं, इसलिए वो बोलता है कि नहीं, इसलिए वो फ्रेंड्स नहीं बनाता था। इसी तरह बाद में जब वो सोचता है कि वो जाकर होटल में रह ले, मतलब जो स्टेशन है उसके पास के होटल में जाके रहने का, तो वो फिर सोचता है कि नहीं, अगर ये जाके होटल में रहेगा तो लोगों को हल्का ऐसा लगेगा कि नहीं, इस टाइप का लड़का है, ये होटल में आया हुआ है, तो कुछ हल्का शक करने लग जाएंगे, उनके अंदर क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी, उत्सुकता बढ़ जाएगी कि इसके बारे में जानने के लिए। इसे वहाँ पे वो नहीं जाता है, वहाँ से वो टहलते टहलते जाता है, उसके बाद वो मैदान में पहुँच जाता है और मैदान में जाकर वो फिर उस बात को सोचने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि किस तरह वो अपने इस लाइफ में, मतलब कि जिस तरह ये कैरियर था इसका, एक थीफ, ये चोर था, तब जिस तरह उसने उस आदमी का फेस देखा, तो उसका फेस जितना वो आदमी अच्छा था, भला आदमी था, उस तरह सोचता था कि नहीं, मैंने इसके साथ गलत किया है। क्योंकि फिर उसने सोचना शुरू किया कि जिस तरह अगर कोई लालची आदमी होता है तो वो उसके अंदर डर रहता है, जब उसका सामान चोरी होता है तो उसके अंदर उसको डर रहता है। जो अमीर आदमी है उसके पास गुस्सा होता है जब उसका कोई भी सामान चोरी होता है, जो पुअर है, जो गरीब है, वो उस बात को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद उसको दुख लगता है बुरे आदमी को। लेकिन जब उसने अनिल का फेस देखा था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे अनिल को सब पता है, लेकिन उसके अंदर एक सैडनेस आई हो, जैसे मैंने आपको बताया कि एक आह भरना, कि अनिल जो है सोते वक्त ही, वो उस समय जग नहीं रहा था, वो अपने सोते वक्त ही वो आह भर रहा था। तो उसे ऐसा लगता है इस यंग बॉय को कि किस तरह वो सैड हो गया था इस बात को जानकर कि किस तरह अनिल जो है उसने उस पर ट्रस्ट किया और उसने उस ट्रस्ट को तोड़ दिया। फिर इसके आगे बताया गया है कि इसी तरह वो बाद में मैदान में जाके बेंच पे बैठ जाता है और सोचता है कि किस तरह अपने जो नवंबर जो है उस समय बहुत ठंड रहती है, तो ये सोचता है कि कैसे वो उस रात को गुजार लेगा। बाद में जब है बारिश की हल्की हल्की बूंद उसके मुँह पर आना शुरू हो जाती है, और इसी तरह बाद में जो बारिश है वो तेज़ हो जाता है, बारिश के हर बूंद के साथ वो डिसकंफर्ट फील करता था, मतलब बार बार उस याद को सोचता था। और इसी तरह इसमें बताया कि जिस तरह बारिश जब तेज़ी में शुरू हो जाती है तो वो पैसे जो रखा रहता है वो ही भीग जाता है, वो वापस बाजार की तरफ चल जाता है, वहाँ पे शेल्टर लेता है क्लॉक टावर के नीचे। इसी तरह वो महसूस करता है कि जो उसने पैसे रखे थे वो बारिश की वजह से भीग गए थे। इसी तरह फिर वो आगे सोचता है अनिल के बारे में कि किस तरह जो अनिल है वो अगर उस समय होता और वो उसने पैसे नहीं चुराए होते इसने, इस बॉय ने, तो ये सोचता है कि अनिल उसे ज़रूर ही कुछ रुपए दे देता, जिससे कि 2 या 3 रुपीस दे देता, जिससे कि ये जाके सिनेमा जाकर वहाँ से फिल्म या कुछ भी देख कर आ सके, मतलब कि उससे उसमें से कुछ रुपीस ज़रूर देता, जिसके कारण वो भी अपना जो लाइफ में है जैसे कुछ भी एंटरटेनमेंट कर सके। फिर इसी तरह उसने बताया कि जैसे वो खाना नहीं बना सकता था और उसी तरह अनिल उसे सिखाता था कैसे खाना बनाना है और किस तरह लिखना पढ़ना सिखाता था उसे, कि किस तरह पूरा सेंटेंस बनाने के लिए, मतलब उसको एजुकेशन जो है उस फील्ड में भी उसको अच्छा बना रहा था। लेकिन बाद में सोचता है कि जिस तरह उसने सीखा था एक सेंटेंस लिखना, इसके अंदर था कि कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 रुपीज़, मतलब कोई ऐसा दिन होगा जिस दिन ये सही में 100 से ज़्यादा रुपये जो रुपये है वो ये ला सकता है।
इस बात को इसने सोचा कि हाँ ये बात तो सही है, और उसके लिए बहुत ही आसान था क्योंकि ये अपने सोच में सोचता है कि ये एक थीफ है और ये चाहे तो आराम से किसी से मतलब चोरी करके भी आराम से ऐसा कर सकता है कि 100 से ज़्यादा, मीन्स बहुत, जैसे इसने अभी चोरी किया तो उसने 600 रुपीस उसे चोरी कर लिए। तो ये सोचता है कि जिस जो ये इसने सीखा था सेंटेंस उसके हिसाब से कि ये कुछ रुपए और जो फ्यूचर में हो कुछ रुपए लाएगा, मीन्स 100 से ज़्यादा कुछ रुपये लाएगा। लेकिन बाद में यहाँ पर सोचता है कि हाँ ये बहुत ही ईजी है इसके लिए लाना, क्योंकि ये आराम से जाएगा किसी के घर, फिर उसे बेवकूफ़ बनाना शुरू करेगा। इसी तरह वो ट्राई करेगा, अगर वो फेल होता है इस तरह ट्राई करते हुए, वो बाद में किसी ना किसी को वो लूट कर वो रुपये लेके आ जाएगा। लेकिन बाद में वो सोचता है कि किसी सही रिस्पेक्टेड मैन के लिए, क्लेवर और बड़े आदमी के लिए ये जो बात है ये कुछ और ही बताता है कि वो मेहनत से कमाएगा। मतलब यहाँ पे दो सिचुएशन आ गए, ये जो रुपये कमाने की बात हुई ये सोचता है कि ये चोरी करके भी उतना रुपये ला सकता है, और दूसरा जो अच्छा आदमी है, क्लेवर आदमी है, बड़ा आदमी है, वो आराम से चाहे तो वो सोचेगा कि वो कमा कर कुछ अच्छा काम करके लाए। फिर सोचता है कि नहीं, इसे वापस वहाँ पर जाना चाहिए, और ये उसे बहुत ही नर्वस होता है। ये वहाँ पर वापस जाता है और धीरे से गेट को खोलता है, अंदर जाकर रात हो रही होती है और अनिल उस समय भी सोया रहता है। वो बेड के नीचे अपना हाथ डालता है और जहाँ पर रुपीज़ रखे रहते हैं, नोट्स रखे रहते हैं, वो सबको वहाँ पर जाके नोट्स को रख देता है उसी प्लेस पर, और जाकर वहाँ पर सोचता है कि जाकर वो वहाँ पर सो जाए। लेकिन उस वक्त जब वो पैसे रख रहा होता है तो जो अनिल है उसका जो ब्रेथ है, जो सांस लेना छोड़ना है, वो उसके हैंड पे आके उसको फील कराता है कि किस तरह जो अनिल है वो आराम से चैन से सोया हुआ है, और वो पैसे को रख के वापस जाके सो जाता है। वो अगले दिन हल्का लेट उठता है ये देखने के लिए कि अनिल है उसका क्या रिएक्शन हो रहा है, और जब वो उठता है तो देखता है कि अनिल ने पहले ही जो चाय है ये बना के उसके सामने रख दिया रहता है, और वो अपने जो फिंगर्स है उनके बीच में 50 रुपये जो नोट है उसको रखे रहता है, और इसका जो दिल है उसमें डूब जाता है। मतलब बहुत ही इसे अजीब फील होता है कि किस तरह जो इतना अच्छा आदमी था उस आदमी को ये जा था लूटने जा था, उसके पैसे ये चुरा रहा था। इसी तरह बाद में वो सोचता है कि ठीक है, रिएक्शन देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे अनिल को कुछ पता ही नहीं है। ये एक्सप्लेन करता है कि आई मेड सम मनी यस्टरडे एंड नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। जैसे कि अनिल है वो कहता है कि मैंने जैसे इसके पिछले दिन कुछ रुपए कमाए थे, अब तुम रेगुलरली जो है ये पेड किए जाओगे, मीन्स मेरे द्वारा रुपीज़ दिए जाओगे। तब इस समय जो है इसको फीलिंग बहुत अजीब सी और बहुत ही अलग फीलिंग आती है कि किस तरह ये सोचता है कि उसे ये बात पता है, अनिल को ये बात पता है कि उसने ये रुपये चुराए थे, और ये भी और ये इसलिए पता चल गया है क्योंकि उसने उस रुपीज़ को चुराया और जब बारिश हुई तो वो भीग गया था। वो हल्का हल्का उस वक्त भी जब वो उसको छुपा कर वापस उस जगह पर रख दिया अनिल के पास, तब भी वो हल्का भीगा हुआ था, तो अनिल आराम से नोटिस कर सकता था कि जो रात में बारिश हुई तो ये जरूर उसने इसे बहा ले गया है, इसीलिए ये भीग गया है। मतलब वो समझ चुका था इस बात को, लेकिन फिर भी वो ऐसा शो कर रहा था, उसके फेस से ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जैसे कुछ हुआ ही है, मतलब उसे कोई एफर्ट नहीं बुझा रहा था। और इस तरह जो यंग बॉय रहता है वो सोचता है कि किस तरह का ये एक आदमी है, जो कि अनिल कैसा एक व्यक्ति है जो कि जानता भी है इस बात को लेकिन फिर भी इसको इग्नोर कर रहा है, और फिर भी जिस तरह इसने बताना चाहा इस यंग बॉय ने कि इस तरह के आदमी इससे पहली बार मिला था जो कि बात जानते हुए भी इग्नोर कर रहा है, उसे वापस पेट भी कर रहा है कि अब से ठीक है मैं तुम्हें पेट करूँगा, मीन्स जो भी वो काम करता है उसके लिए। अब इसके बाद वो और उसको सिखाना शुरू करता है, जैसे वो सेंटेंस फॉर्मेशन सीख रहा होता है, तो फिर अनिल बोलता है ठीक है तो आज हम फिर सेंटेंस है वो बनाना सीखेंगे। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलियन वे, मीन्स इसमें अपीलिंग करते हुए जो वे है इसमें फिर स्माइल करता है, मतलब कि ये पहले ऐसा फील हो जाता है, अब इसके मन में चोरी की भावना नहीं रहती है। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और इसमें ये बताना चाहता है कैसे अगर कोई आदमी अच्छा था तो जो चोर था वो भी 15 साल का ही लड़का था, उसका भी कैसे जो है मन बदल गया और उसने फिर चोरी के बारे में, जैसे वो हल्का रुपये तो मार्केट के में बचा कर रख लिया करता था लेकिन उसने चोरी उसके उस समय तक नहीं किया, लेकिन बाद में उसने चोरी किया तो उसे बहुत ही बुरा लगा और ऐसा एहसास भी हुआ, जबकि वो चाहता तो वहाँ से भाग सकता था, लेकिन उसे याद आया कि किस तरह जो अनिल है उसने उस पर कितना ज़्यादा ट्रस्ट किया था। इसी तरह वो वापस आके उसको वापस से पैसे उसके पास रख देता है और अपना लाइफ फिर स्टार्ट कर देता है वैसा रहना। तो दोस्तों मिलने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं इसके अगले वीडियो में।